Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की वजह से सीपैक की वजह से पाकिस्तान का जो मुआशी जो है वो यानी पोटेंशियल इम्कानात वो बड़े हैं. अच्छा तो कुछ तो फायदा और हुआ उससे ये है कि ठीक है बाकी मुश्किलात भी अगर हम जहन में रखें तो कम अज कम शरा नमू इस एक प्रोजेक्ट की वजह से क्योंकि ये एक प्रोजेक्ट तो नहीं है बहुत सारे लेकिन इसका इनपुट जो है वो हमारा कम अज कम 5.6%. अच्छा और ये आप नहीं या मैं नहीं IMF कह रहे हैं. IMF कह रहा है. ठीक ओके तो ब्रेक चलें ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे. हमारे साथ रहेगा. ट्वीट जरूर कीजिए. मेरा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान अंडरस्कोर. अच्छा अब एक्सक्यूज मी इसमें जो असल मसला आ रहा है असल मसला ये आ रहा है कि चूंकि इसके जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए जो हमने काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट या कर्ज या मशीनरी जो भी आई है उसकी वजह से हमारे इस साल का जो खसारा है हाँ वो बढ़ गया. नहीं जी वो अनप्रेसिडेंटेड. ठीक मतलब के IMF की रिपोर्ट कह रही है कि ये 17 बिलियन डॉलर्स 17 अरब राइट 17 अरब डॉलर्स दैट इज अ लॉट ऑफ मनी. बहुत है. अब हमारे खजाने में इतनी रकम नहीं है कि इसको बर्दाश्त कर सके. टैक्स अल्लाह के फजल से हम देते नहीं हैं एज अ कॉम और हम टेलीविजन पर बैठकर लोगों को ये अफीम खिलाते हैं फॉल्स होप दिलाते हैं जिस तरह फॉल्स फेक न्यूज देते हैं कि बस साहब आप ये पकड़ लें पता नहीं क्या हो जाएगा अमीर लोगों को तो पैसे आ जाएंगे. मसलन जैसे हसन और हुसैन के जो फ्लैट्स हैं पता नहीं इनको बेच के पाकिस्तान का कर्जा अदा करेंगे हम क्या कुछ इस तरह हो जाएगा. फिर आसिफ जरदारी इस तरह बारी बारी ला रहे ना कितने 60 अरब डॉलर 400 आदमियों के पनामा में नाम आए थे एक से आगे जा नहीं पाए. कारोबारी आदमी आप दो पे हाथ डालोगे मईशत जो है आप ये देखिए एक जमात के बानी थे मनी लॉन्ड्रिंग की बात आई केस चल गया तो भाई ये तो वहीं. अच्छा लंदन में हर दूसरी तीसरी बिल्डिंग या किसी चीनी ने ले रखी है या किसी अरबी ने या किसी अरब ने या रूसी ने या अगर उन्होंने जब्त करके तो पैसे आपको भेजने शुरू कर दिए तो बचेगा क्या उनके तो पास बॉस फगाट से तो उनकी कौन खरीदेगा जमीनें बिल्डिंग्स. ठीक है ना इकोनॉमी जो है उसमें जब आप सरमायादाराना निजाम की बात करते हैं तो भी उसमें अखलाकियात नहीं होती. मैं माफी चाहता हूं. सरमायादाराना निजाम बुनियादी तौर पर इंटरेस्ट ड्रिवन है प्रॉफिट ड्रिवन है. भाई ये किसने ऑफशोर कंपनी का तसव्वुर दिया मैंने नहीं और उसके लिए उन्होंने बड़े खूबसूरत लफ्ज ईजाद कर रखे हैं. एक होता है टैक्स इवेड करना यानी टैक्स ना देना टैक्स चोरी करना. एक है टैक्स अवॉइड करना हाँ, कि आप कैसे आप कानून आप कैसे लूप होल्स निकाल के तो आपको अगर 20 रुपए टैक्स देना है तो आप कम से कम तो आप कैसे 10 रुपए दे सकते हैं. उससे सारे फायदा उठाते हैं. मतलब जैसे हमारे बहुत ही दयानतदार सियासतदान इमरान खान साहब ने न्याजी सर्विसेज के जरिए उन्होंने टैक्स बचाया. उन्होंने किया ना सारे. अब उसमें जो सबसे बड़ा मसला हमारा हो रहा है कि जब ये 17 बिलियन हमें खसारा आएगा हाँ तो फिर हम क्या तो आइंदा बजट के लिए हमें जाना पड़ेगा IMF के पास. कोई और तरीका ही नहीं है. कोई दुनिया का शख्स कितनी तकरीरें कर लो कोई तरीका ही नहीं है. उस वक्त जब आप जाओगे तो फिर
अमेरिका आपको कहेगा कि एक्सक्यूज मी, ये जरा एक दो तीन चार, सही, वहां पे नेटो का रोल आएगा और जरूरी आता आपके पास, आप जो मर्जी आपके साथ, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। उसका तरीका यही था कि हम मतलब जैसे मैं कल पढ़ रहा था, इन तीन महीनों में ये जो गुजरे हैं शायद, उसमें हमने जो टैक्स कलेक्ट किया है वो अभी तक इस पीरियड में जो, यानी कि अगर यानी पिछले साल इस पीरियड से करें उससे पिछले साल, तो ये रिकॉर्ड है। अच्छा, ओके, स्टिल राइट, बड़ी बात। जैसे आज उन्होंने भी कहा है, आर्मी चीफ ने भी, हर बंदा कहता है कि जो है वो नहीं हम देते इतना, हम तनख्वाहदार लोग तो बेचारे हमें तनख्वाह बाद में आती है टैक्स, लेकिन मुख्तलिफ और इनडायरेक्ट पे टैक्सेस हैं, तो कोई ना कोई ऐसा निजाम जरूर होना चाहिए। और जब तक आप टैक्स देने की आदत नहीं डालेंगे और अपने कंफर्ट के लिए झूठ बोलेंगे, कौम को गुमराह करेंगे कि बस ये एहतसाब कर लें और निचोड़ के हा 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 ठीक हो जाएगा पाकिस्तान सारी, वो डॉलर दे दें और बस आप छोड़ें और हम सीटियां बजाते रहे, ऐसे नहीं होगा। सही आइडिया ये था कि ये जो प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, हाँ, इनसे बाद में हो जाए इससे आपकी, लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जैसे मैं बार बार दो तीन मर्तबा चला चुका हूं कि अगर अमरीकी वजीर खारिजा दिफा जनरल मैटिस खुलेआम कहता है कि जी डिक्टेट इस खत्ते पर जैसे मुसल्लत कर रहा है चीन, तो वो एक हवाले से आलमी बरादरी को इससे दूर कर रहा है। हाँ, जाहिर है, उसको ही इज ट्राइंग टू मेक इट कॉन्ट्रोवर्शियल एंड राइट। जी एक पिशावर से कॉल है जी, सलाम अलैकुम। हेलो, सलाम अलैकुम, पिशावर से कॉल है जी। हेलो जी, वालेकुम सलाम जी। जी सर, मैं पिशावर से बात कर रही हूँ। कहाँ से? पिशावर से सिद्रा बात कर रही हूँ। जी जी, मैं आपका शो बहुत शौक से देखती हूँ और रेगुलर देखती हूँ। हेलो जी जी, फरमाइए बीबी। बस मुझे आपसे बात करनी थी सर, उसका मुझे जवाब जरूर दीजिएगा कि शेख रशीद साहब जो हैं, उन्होंने देखे 4 साल इन्होंने जो है उनको हुकूमत नहीं करने दी है नवाज शरीफ को, और अब जो है उनको इन्होंने निकलवा दिया, लेकिन फिर भी ये इस मुल्क के बारे में कोई बात नहीं करते, ये नवाज शरीफ के बारे में ही लगे रहते हैं। नहीं नहीं, अब तो उनकी तवज्जो शायद सकान नबासी की तरफ चली गई ना, वो LNG जो भी है, लेकिन वो नाम उनका ले रहे हैं, उनके साथ मिल, उनके साथ वो मिले हुए, तो इसलिए कह रहे हैं क्यों ये लोग आखिर इस मुल्क के बारे में बात नहीं करते। जी जी, नहीं आप सही कह रही हैं जी, हम भी तकरीबन ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतनी नफरत में, अंधी नफरत में इतनी दूर न चले जाइए कि दूर रस जो आपके मतलब सी पैक को आप नाजे बना रहे हैं, साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि तीन पार्टियां हैं और बस कोई मुकमुका कर लेते हैं और ये कोई अच्छी बात नहीं है। ऑलरेडी मतलब एक तो बनेगी ना फजा, आम आदमी कहेगा कि भाई साहब मुझे सी पैक से क्या मिला, हाँ, हाँ, सी पैक से तो ये हुआ कि जी हमारे तो 17 अरब रुपए देने पड़ गए, सॉरी डॉलर। चलें बॉस, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_। अच्छा, अब मसला वही है कि आप बिल्कुल खला में मुआशी तरक्की की बात नहीं कर सकते। हमें बिजली के जरिए ऐसी मसनूआत पैदा करनी है जिनको हम कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे इंटरनेशनल मार्केट में बेच सकते, यही है ना, तो नई मार्केटिंग ढूंढनी है। इसके लिए आपके आपको नई अशिया सोचनी पड़ेंगी कि हम क्या बेचें। हाँ बिल्कुल ठीक, लेकिन हालात दिगर गुम इतने हैं कि आपके पास जो सॉलिड मार्केट है वो भी हाथ से जा रही है। मिसाल के तौर पर, यस एब्सोल्युटली, आप देखिए अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत टेंस रहे हैं, कशीदगी दूर करने के लिए आर्मी चीफ साहब DGISI के साथ वहां गए,
وہاں کے پریزیڈنٹ صاحب سے ملے, اشارے آئے کہ جی شاید ان کے صدر اشرف غنی یہاں آئیں گے.